नमस्कार दोस्तों, हमारे स्वदेशी उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत। क्या आपको छोटी छोटी बातें अधिक बुरी लगती हैं? या आपकी फैमिली में से ऐसा कोई मेंबर है जिन्हें कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचना पड़ता हो? या ऐसा कोई दोस्त है जिसे आपका कोई छोटा सा भी मजाक पसंद नहीं? दरअसल ये सभी निशाने हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होने के। जो इमोशनल लोग हैं उन्हें नींद न आने की समस्या अधिक रहती है। इमोशनल लोगों में चैन ऑफ थॉट्स यानी लगातार आते विचारों के कारण नींद न आने की समस्या अधिक देखने को मिलती है। आमतौर पर इनमें एक लक्षण देखा जाता है जिसे स्लीप डिस्टरबेंस कहते हैं। अधिक इमोशनल लोग हर समय किसी एक ही घटना या बात को लेकर सोचते रहते हैं और इस कारण इनका दिमाग परेशान रहता है और इन्हें नींद न आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन का डर। अधिक इमोशनल लोगों में अपने प्यार का इजहार करने को लेकर बहुत अधिक डर बना रहता है। इन्हें रिजेक्शन का डर अधिक सताता है। ये सोचते रहते हैं कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो इनका सामान्य रिश्ता भी खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर ये खुद को अपने आप में समेट लेते हैं और क्षमता में अधिक काम करने लगते हैं। इस कारण इनकी स्थिति कई बार अधिक खराब हो जाती है। अकेलापन होने लगता है हावी। बहुत अधिक इमोशनल के कारण एंग्जायटी की चपेट में आए लोग अक्सर अपने आसपास के उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जिनकी बातें इन्हें बहुत अधिक बुरी लगती हैं। फिर चाहे ऑफिस हो या घर, धीरे धीरे करके ये सब भी से दूरी बना लेते हैं। इससे इसके अंदर अकेलेपन की भावना बढ़ने लगती है। एंग्जायटी का शिकार होना। किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह समझे बिना और किसी भी बात को पूरी तरह सुने बिना ये लोग तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस कारण ये लोग बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं। इनके दिमाग में इनकी पुरानी बातें घूमती रहती है, यानी इनके ये बीती बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। इससे इनमें एंग्जायटी क्रिएट होती है और ये अक्सर लो फील करते हैं। डिप्रेशन के बढ़ जाते हैं चांस। दोस्तों और परिवार में बात बंद करने में इमोशनल लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ये डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें आमतौर पर ऐसी समस्या इसलिए होती है क्योंकि ये दूसरों लोगों की बातों का बहुत गंभीरता से अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी बातें किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों की कसम। जो लोग बहुत अधिक इमोशनल होते हैं उनके अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बातें हमेशा थॉट प्रोसेस में चलता रहता है। ये किसी भी बात या स्थिति को लेकर बहुत अधिक सोचते हैं और हर समय विचारों में घिरे रहते हैं। इसके कारण इन्हें एंग्जायटी हो जाती है। इनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इंटर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो दोस्तों इमोशनली सोचना बंद करें और तर्क से जिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।